हेलो स्टूडेंट्स, आवर टुडेज टॉपिक इज एम्ब्रियो। देखना, इसमें एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द ओव्यूल। जो भी ओव्यूल होता है उसका जो भी माइक्रोपाइलर एंड होता है, यहाँ पर जो भी एग एपर्टस प्रेजेंट होता है, एग एपर्टस में नीचे कौन सी सेल प्रेजेंट होती है, एग सेल। जैसे ही एग सेल के साथ में कोई भी एक जो मेल गैमेट होता है वो फ्यूज कर जाता है एंड इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। क्या बनेगा उससे, जाइगोट। और अगेन जो भी जाइगोट की जो भी सेल होंगी वो कंसिक्वेंटली डिवाइड करके कौन सी स्ट्रक्चर बना लेंगी, एम्ब्रियो। यानी कि हम सिंपली बोल सकते हैं कि जो भी एम्ब्रियो की जो भी डेवलपमेंट होगी वो कहाँ पर होगी, डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड। जो भी ओव्यूल होता है उसके दो एंड होते हैं, दिस वन इज द माइक्रोपाइलर एंड, दिस वन इज द चलाजल एंड। सो जो भी माइक्रोपाइलर एंड होता है वहाँ पर जो भी एग सेल फर्टिलाइज होने के बाद वहाँ पर क्या बन जाएगा, जाइगोट। और जाइगोट किस में डेवलप हो जाएगा, एम्ब्रियो में। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म इसमें हम यूज करते हैं, क्या बता दिया, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा, जो भी एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट होते हैं उसमें फर्टिलाइजेशन हो गया, हम सिंपली बोल सकते हैं वहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन होगा। और कोई भी जो प्लांट होगा उसका जो भी मेच्योरिटी के बीच के सारे जो भी इवेंट्स होते हैं हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन एंड मेच्योरिटी ऑफ ए प्लांट के बीच के जो भी सीरीज वाइज जो भी इवेंट्स होते हैं, दीज आर नोन एज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या होगा ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, या फिर हम सिंपली बोल सकते हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंट, जो भी सेल होंगे वो क्या होंगी, स्पेशलाइज्ड होंगी या फिर वो डिफरेंशिएटेड हो जाएंगी अलग अलग स्ट्रक्चर बनाने के लिए। जो भी फर्स्ट स्टेज होती है इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट जाइगोट, वो क्या होगा, जो भी जाइगोट होगा इसमें फर्दर अगेन माइटोटिक डिवीजन होंगे और उससे कौन सी स्ट्रक्चर बनेगी, यहाँ पर एम्ब्रियो। द एम्ब्रियो इज ए प्री डिटरमाइंड स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ ए प्लांट। कोई भी जो जाइगोट बनेगा उसे जैसे ही कंप्लीट प्लांट बनेगा तो उससे पहले यहाँ पर क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। अब हम यहाँ पर रीड करेंगे जो भी जाइगोट होगा उसमें डिवीजन कैसे होगा और जो भी मैच्योर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन कैसे होगी। नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, जो भी जाइगोट होगा उससे एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कैसे होगी। देखो, फर्स्ट वन, जाइगोट इज ऑलवेज डिप्लॉयड। जो भी जाइगोट होता है ये कैसा होता है, हमेशा डिप्लॉयड। जो भी जाइगोट होगा, जैसे ही इसमें सिंपली हम बोल सकते हैं दिस वन इज द जाइगोट, जैसे ही जाइगोट में यहाँ पर डिवीजन होगा, यहाँ पर टू टाइप की सेल बनेंगी, लोअर मोस्ट डिसल सेल। जो भी जाइगोट था इस टाइप से क्या था, जाइगोट था। जाइगोट की जैसे सेल में डिवाइड होगा, मियोटिक डिवीजन होगा, बेसल सेल, और कौन सी सेल बनेंगी यहाँ पर, एपिकल सेल। एपिकल सेल, जैसे ही यहाँ पर एपिकल सेल और बेसल सेल में जो भी जाइगोट थे डिवाइड हो जाएगा अंटिल द इनिशिएशन ऑफ ऑर्गन। क्या होगा, अगेन इसमें डिवीजन होगा तो ऑर्गन बनने से पहले जो भी इस टाइप का जो भी एम्ब्रियो होता है हम क्या बोलते हैं इसको, कौन सा एम्ब्रियो है ये, प्रो एम्ब्रियो। अगेन जो भी प्रो एम्ब्रियो होगा इसमें क्या होगा, अगेन म्यूटिक डिवीजन होंगे, हमने पहले भी किया। उसके बाद कौन सा यहाँ पर एम्ब्रियो बन जाएगा, ग्लोबुलर शेप्ड एम्ब्रियो, लाइक दिस। इस टाइप से कौन सा एम्ब्रियो बन जाएगा यहाँ पर, ग्लोबुलर शेप्ड एम्ब्रियो। फर्स्ट वन इज द जाइगोट, जाइगोट से क्या बन रहा है, प्रो एम्ब्रियो, प्रो एम्ब्रियो के बाद में ग्लोबुलर शेप्ड एम्ब्रियो, आफ्टर ग्लोबुलर शेप्ड एम्ब्रियो कौन सा बनेगा यहाँ पर, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। इस टाइप से यहाँ पर हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बन जाएगा और हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो फर्दर ट्रांसफर्ड इन टू द मेच्योर एम्ब्रियो। जो भी मेच्योर एम्ब्रियो होगा वो इसमें फाइनली, इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर होंगे हम यहाँ पर इस टाइप से दिखा सकते हैं। दिस वन इज द प्लूमुल पार्ट, प्लूमुल। जैसे इसका जर्मिनेशन होगा एम्ब्रियो का, प्लूमुल से कौन सा पार्ट अराइज होगा, शूट सिस्टम, एंड हेयर इज द रेडिकल रीजन फ्रॉम वेयर रूट आर अराइजेज एंड टू कोटिलेडन्स आर प्रेजेंट। इट मे बी डिफर इन मोनोकोट और डाइकोट, इन डाइकोट टू कोटिलेडन्स आर प्रेजेंट एंड इन मोनोकोट ओनली सिंगल कोटिलेडन आर प्रेजेंट। दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए मेच्योर एम्ब्रियो। फर्स्ट वन जाइगोट, जाइगोट से प्रो एम्ब्रियो, ग्लोबुलर, हार्ट शेप्ड एंड फाइनली द मेच्योर एम्ब्रियो। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ द डाइकोट एम्ब्रियो, जो भी डाइकोट यानी कि द प्लांट इन विच टू कोटिलेडन्स आर प्रेजेंट, इसको हम क्या बोलते हैं डाइकोट। जो कोई भी जो डाइकोट जो प्लांट होगा इसके एम्ब्रियो के अगर हम स्ट्रक्चर रीड करेंगे तो इसमें हमारे मेन दो ही स्ट्रक्चर होंगे। फर्स्ट वन इज द कोटिलेडन। कोटिलेडन क्या होते हैं, इज ए ग्रुप ऑफ टिश्यू विच एक्ट एज ए स्टोरेज ऑर्गन। जो भी फूड को स्टोर करके रखते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कोटिलेडन। एंड सेकंड रीजन कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, एम्ब्रियोनल एक्सिस। फर्स्ट वन इज द कोटिलेडन, सेकंड वन इज द एम्ब्रियोनल एक्सिस। दो ही पार्ट होंगे मेन डाइकोट एम्ब्रियो में। अब देखो,
एक बार इसके कंप्लीट स्ट्रक्चर, दीज आर टू कोटिलेडन, दिस रीजन, दीज आर द कोटिलेडन। डाइकोट एम्ब्रियो कर रहे हैं तो कोटिलेडन कितने होंगे, इसमें टू होंगे। अब जो भी कोटिलेडन और सेकंड कौन सा पोर्शन बताया मैंने, एम्ब्रियोनल एक्सिस, जो भी कोटिलेडन से जस्ट अबोव वाला जो भी पोर्शन होगा, यहाँ पर जैसे कोटिलेडन है, इससे ऊपर वाला जो भी पोर्शन होगा हम क्या बोलते हैं इसको, एपिकोटाइल। एपी मीन्स अबो और कौन सा रीजन, कोटिलेडन से ऊपर वाला रीजन, इसको वो कौन सा रीजन होगा एम्ब्रियोनल एक्सिस का, एपिकोटाइल। जो भी एपिकोटाइल जो रीजन होगा इसमें क्या प्रेजेंट होगा, इट टर्मिनेट इनटू द प्ल्यूमुल, या तो प्ल्यूमुल में टर्मिनेट हो जाएगा या फिर वो शूट टिप में टर्मिनेट हो जाएगा। और जैसे ही जर्मिनेशन होगा, जो भी एम्ब्रियो इसमें प्रेजेंट होगा सीड में, जैसे जर्मिनेशन होगा प्ल्यूमुल से कौन सा पार्ट होगा, शूट पार्ट, एंड बिलो द रीजन ऑफ द कोटिलेडन, कोटिलेडन से नीचे कौन सा रीजन होगा, हाइपोकोटाइल। हाइपो मीन्स बिलो एंड इससे ऊपर एपिकोटाइल, और बिलो वाला रीजन कंप्लीट कौन सा होगा, हाइपोकोटाइल। जो भी हाइपोकोटाइल होगा इट टर्मिनेट इनटू द रेडिकल, ये किस में टर्मिनेट हो जाएगा, रेडिकल। और रेडिकल से कौन सा पार्ट अराइज होता है, रूट पार्ट। और जो भी रेडिकल का जो भी स्टेज है, जो लास्ट वाला पोर्शन होता है, इट इज कवर्ड बाय द रूट कैप। सो दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द डाइकोट एम्ब्रियो, कोटिलेडन, एम्ब्रियोनल एक्सिस का कोटिलेडन से अबो वाला रीजन इज द एपिकोटाइल विच टर्मिनेट इन टू द प्ल्यूमल, एंड बिलो रीजन हाइपोकोटाइल विच टर्मिनेट इन टू द रेडिकल। नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट एम्ब्रियो। देखो मोनोकोट कौन से प्लांट होते हैं जिसमें सिंगल कोटिलेडन प्रेजेंट होगा, जो भी ग्रास फैमिली होती है इसमें जो भी सिंगल कोटिलेडन प्रेजेंट होता है हम इसको क्या बोलते हैं, स्क्यूचुलम। जो भी एम्ब्रियो होगा, दोनों में माइंड में रखना, वेदर इट इज मोनोकोट एम्ब्रियो और वेदर इट इज डाइकोट एम्ब्रियो, इट कंसिस्ट ऑफ मेनली टू पार्ट, फर्स्ट वन इज कोटिलेडन, सेकेंड वन इज द एम्ब्रियोनल एक्सिस। अब देखो जो भी हम यहाँ पर रीड करें, मोनोकोट यानी कि सिंगल कोटिलेडन होगा, सिंगल कोटिलेडन को हम क्या बोलते हैं, स्क्यूचुलम। नेक्स्ट हम करेंगे इसके पोजीशन, जो भी मोनोकोट होते हैं उसमें जो भी कोटिलेडन होता है वो कहाँ पर होता है, लेटरल साइड ऑफ द एम्ब्रियो हेयर। यहाँ पर क्या होगा, ये लेटरल साइड हो जाएगी, यहाँ पर स्क्यूचुलम प्रेजेंट होगा। जो भी यहाँ पर स्क्यूचुलम के साथ में, जो भी कोटाइल के साथ में जो भी अपर वाला जो रीजन होगा, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, प्ल्यूमुल, या फिर हम सिंपली बोल सकते हैं सूट एपिक्स प्रेजेंट होगी। क्या क्या प्रेजेंट होगा यहाँ पर लिख देती हूँ, नोट कर लेना साथ साथ में, सूट एपिक्स, या फिर क्या होंगी, फ्यू लीफ प्राइमोर्डिया, फ्यू लीफ प्राइमोर्डिया, जो भी कोलियोप्टाइल रीजन, या फिर हम सिंपली क्या बोल सकते हैं यहाँ पर के कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी, प्ल्यूमुल या फिर शूट एपिक्स या फ्यू लीफ प्राइमोर्डिया यहाँ पर प्रेजेंट होगी, जिसको एक होलो स्ट्रक्चर कवर करती है या फिर एक सीथ कवर करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोलियोप्टाइल। या फिर कौन सा रीजन हो सकता है, ये ऊपर वाला रीजन, यानी कि हम बोल सकते हैं स्क्यूचुलम के अटैचमेंट में जो भी रीजन होता है एपिकोटाइल, एपिकोटाइल में सूट एपिक्स और कुछ लीफ प्राइमोर्डिया प्रेजेंट होते हैं और वो एक स्ट्रक्चर से कवर्ड होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, कोलियोप्टाइल। जो भी कोलियोप्टाइल से उससे जस्ट जो भी नीचे वाला पोर्शन होगा इसमें क्या होंगे, यहाँ पर रेडिकल, रेडिकल या फिर हम सिंपली बोल सकते हैं कौन सा रीजन होगा, यहाँ पर रूट कैप, जो भी लोअर साइड होगा यहाँ पर रेडिकल या रूट कैप, और वो एक अनडिफ्रेंशिएटेड सीथ होगी, एक सेल के उसमें कवर्ड होते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं, कोलियोराइजस। मेन क्या हो जाएंगे, कोटिलेडन इज वन विच इज नोन एज स्क्यूचुलम, जो भी कोटिलेडन के साथ में जो भी अपर वाला रीजन होगा उसमें क्या होगा, प्ल्यूमुल होगा विच इज कवर्ड बाई कोलियोप्टाइल, एंड ऑन द अपोजिट साइड रेडिकल इज प्रेजेंट विच इज कवर्ड बाई द कोलियोराइजस। सो दिस इज द कम्प्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोकोट एम्ब्रियो। सो इसमें हमने आज कंप्लीट किया एम्ब्रियो क्या होता है, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कैसे होती है, जो भी एम्ब्रियोजेनेसिस कैसे होता है, जायगोट से प्रो एम्ब्रियो बनता है, उसे हार्ट शेप्ड बनता है, ये सारे के सारे स्टेजेस हमने रीड किए। लास्ट में हमने मोनोकोट और डाइकोट, इसमें जो भी डाइकोट और मोनोकोट एम्ब्रियो होता है इसे मोस्टली पीएमटी में क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली स्क्यूचुलम वगैरह से रिलेटेड। थैंक यू।